नमस्कार, स्वागत है आपका अनिल कंप्यूटर्स की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम सीखेंगे सी लैंग्वेज में फंक्शंस को कैसे यूज किया जाता है। हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको कंपाइलर में बार बार एक्सिक्यूट करवाना होता है, तो इसमें इन स्टेटमेंट को बार बार लिखना पड़ता है और उसमें समय भी बहुत ज़्यादा लगता है और इससे प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे उसको पढ़ने और समझने में बहुत मुश्किल होती है। जब भी फंक्शन का नेम डिफाइन करते हैं तो इसे फंक्शन डिक्लेरेशन करना कहते हैं, और जब हम फंक्शन में एक्सिक्यूट होने वाले स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो उसे हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। प्रोग्राम में कहीं भी फंक्शन को यूज करते हैं तो उसे फंक्शन को कॉल करना कहते हैं। फंक्शन क्रिएट करने से प्रोग्रामर का टाइम और कंप्यूटर की मेमोरी दोनों ही बचती है। एक ही कोड को हम आसानी से बार बार यूज कर सकते हैं और इससे हमारा जो प्रोग्राम है वो मॉड्यूल के अंदर डिफाइन हो जाता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ सी फंक्शन। सी लैंग्वेज में फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है प्री डिफाइंड फंक्शन और सेकेंड होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन, ये फंक्शन लाइब्रेरी में पहले से ही प्रोवाइड किए गए होते हैं। इन फंक्शन को पहले से ही डिक्लेयर किया गया होता है। हम अपने प्रोग्राम में उनका यूज करना चाहते हैं तो हमें हैश इंक्लूड stdio.h यानी हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है। फिर आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये फंक्शन वह फंक्शन होते हैं जो प्रोग्रामर खुद क्रिएट करता है। क्रिएटिंग अ फंक्शन। सी लैंग्वेज में फंक्शन क्रिएट करने के तीन स्टेप्स हैं। सबसे फर्स्ट आता है फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकेंड होता है फंक्शन डेफिनेशन और थर्ड होता है फंक्शन को कॉल करना। सबसे फर्स्ट हम देखें फंक्शन डिक्लेरेशन, तो इसमें फंक्शन का नेम और फंक्शन का रिटर्न टाइप डिक्लेयर करते हैं। हम चाहे तो फंक्शन में पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। इसका जनरल सिंटैक्स होता है रिटर्न टाइप फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स। जस्ट इसका एग्जांपल की बात करें तो हमने रिटर्न टाइप में ले लिया इंट फंक्शन नेम एडिशन, पैरामीटर ले लिया हमने इंट ए कॉमा इंट बी। सेकेंड आता है फंक्शन की डेफिनेशन। हम फंक्शन में जो कोड एक्सिक्यूट करना चाहते हैं वो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर लिखा जाता है। इसका जनरल सिंटैक्स होता है रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरामीटर लिस्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन बॉडी ऑफ स्टेटमेंट देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। जैसे हम एडिशन का फंक्शन बनाना चाहते हैं, यानी किसी प्रोग्राम में फंक्शन को यूज करके एडिशन करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो इंट एडिशन इंट ए कॉमा इंट बी कर्ली ब्रैकेट ओपन इंट सी, यहीं पर डिक्लेयर किया। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू परसेंट डी। परसेंट डी इंटीजर का फॉर्मल स्पेसिफायर होता है, कॉमा सी कर देंगे तो वो हमें इन ए और बी की वैल्यू को प्लस करके सी में असाइन करके फिर प्रिंट कर देता है। फंक्शन को कॉल करना। प्रोग्राम में हमें जहां भी फंक्शन यूज करना होता है उसे हमें फंक्शन को कॉल करना कहते हैं। इसका जनरल सिंटैक्स होता है फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट। इसका एग्जाम्पल है तो एड 20, 20 यानी हमने दोनों आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है वो असाइन कर दी। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें आर्ग्यूमेंट भी पास करना होता है। आर्ग्यूमेंट हम तभी यूज करते हैं जब वो फंक्शन को डिक्लेयर करते समय पैरामीटर पास करते हैं, तभी हम आर्ग्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज में फंक्शन को दो टाइप से कॉल किया जाता है। फर्स्ट होता है कॉल बाय वैल्यू, सेकंड है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू, इस तरीके में आर्ग्यूमेंट के रूप में वैल्यूज और वेरिएबल पास किए जाते हैं, और कॉल बाय रेफरेंस में इस तरीके में आर्ग्यूमेंट के रूप में वेरिएबल का रेफरेंस पास किया जाता है। अब सबसे फर्स्ट हम देखें कॉल बाय वैल्यू, तो जब हम फंक्शन कॉल करते समय आर्ग्यूमेंट के रूप में कोई वैल्यू पास करते हैं तो वह पैरामीटर वेरिएबल में कॉपी हो जाती है और इसके बाद उन वेरिएबल पर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। इसी प्रकार जब हम फंक्शन को कॉल करते समय कोई वेरिएबल पास करते हैं तो असल में वो वेरिएबल फंक्शन में नहीं पास किया जाता, बल्कि उस वेरिएबल की वैल्यू पैरामीटर वेरिएबल में कॉपी की जाती है और उसके बाद उस पैरामीटर वेरिएबल पर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। इस तरह के फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू कहा जाता है। इसमें असल आर्ग्यूमेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती है, जो भी ऑपरेशन होता है वो पैरामीटर वेरिएबल पर ही परफॉर्म किया जाता है। एग्जाम्पल फॉर कॉल बाय वैल्यू, हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया, फंक्शन लिया इंट एड इंट ए कॉमा बी, वाइड मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन इंट रिजल्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट एक्स इज इक्वल टू 5 इंट वाई इज इक्वल टू 4 प्रिंट एफ कर दिया, द एडिशन इज परफॉर्म, कॉलिंग एंड कॉलिंग एड फंक्शन बाय वैल्यू, तो हमने रिजल्ट इज इक्वल टू एड ब्रैकेट ओपन एक्स कॉमा वाई वैल्यू ले लिया यहाँ पर, फिर प्रिंट एफ कर दिया रिजल्ट को,
प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज परसेंटली एंड वैल्यू ऑफ बी इज परसेंटली कॉमा एक्स कॉमा वाई। तो एक्स की जो वैल्यू है वो ए में असाइन हो जाएगी, वाई की जो वैल्यू है वो बी में असाइन हो जाएगी। फिर बिलो फंक्शन टेक वैल्यू फॉर वेरिएबल एज आर्ग्यूमेंट एंड परफॉर्म ऑपरेशन ऑन देम। तो इंट एड, इंट ए, इंट बी, इंट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंट सी, और इसको क्लोज कर देंगे। तो इसका आंसर होगा द एडिशन इज परफॉर्म, रिजल्ट इज 9 और वैल्यू ऑफ ए इज 5 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 4। तो वैल्यू एक्स की जो वैल्यू थी वो ए में असाइन हो गई है, वाई की जो वैल्यू थी बी में असाइन हो गई, और इन दोनों को प्लस करके उसने एडिशन परफॉर्म किया, जिसका रिजल्ट 9 है। तो नेक्स्ट आता है कॉल बाय रेफरेंस। किसी भी फंक्शन को कॉल करते समय असल वेरिएबल पास करने की बजाय उनका एड्रेस पास किया जाता है। ऐसा करने पर उन वेरिएबल का एड्रेस पैरामीटर वेरिएबल में कॉपी होगा और पैरामीटर वेरिएबल मेमोरी में असल आर्गुमेंट वेरिएबल को ही पॉइंट करता है। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h फंक्शन डिक्लेरेशन विद वैल्यू एट ऑपरेटर। यहाँ पर हम फंक्शन का जो डिक्लेरेशन करेंगे वो ऑपरेटर के साथ में करेंगे। तो यहाँ पर हमने पॉइंटर यूज किया, इंट एड, इंट पॉइंटर एस, इंट मेन, इंट एस इज इक्वल्स टू 2, कॉल बाय रेफरेंस प्रिंट कर दिया। फिर फंक्शन को कॉल कराया तो एड ब्रैकेट ओपन एड्रेस ऑफ एस के थ्रू से कॉल कराया और एस को प्रिंट कर दिया। फिर आती फंक्शन की डेफिनेशन, तो इंट एड, इंट पॉइंटर एस, तो पॉइंटर एस इज इक्वल्स टू पॉइंटर एस प्लस 2। तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 4, यानी हमारा जो s वाली वैल्यू है वो तो 2 है, लेकिन पॉइंटर s किया है यानी ये वाली जो वैल्यू है उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो इस वैल्यू को भी प्लस करके फिर हमें आंसर रिटर्न करता है। फिर आता है एग्जाम्पल ऑफ सी फंक्शन। अब सी फंक्शन का एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हमने फंक्शन का डिक्लेरेशन किया, इंट एड, इंट ए, इंट बी, उसके बाद इंट मेन, इंट रिजल्ट, द एडिशन प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन। फिर फंक्शन को कॉल करा, रिजल्ट इज इक्वल टू एड 2,7 और रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। फिर फंक्शन की डेफिनेशन दी है, इंट एड, इंट ए, इंट बी और इंट सी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, रिटर्न सी चाहिए, आप 0 भी लिख सकते हैं। और तो इसका आउटपुट होगा हमारा द एडिशन प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन, रिजल्ट इज 9। तो वो हमें यहाँ पर 9 प्रिंट करके देगा। ओके, थैंक यू।